हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपका एम्ब्रियो चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो उस टाइम आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको कौन कौन से प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं भी आते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तब भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं है। तो देखिए, प्रेगनेंसी सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है सबको आएँ, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता ये प्रेगनेंसी सिम्टम है। तो कई बार आप उसको पता आई मीन फील नहीं कर सकते, बट वो सिम्टम जो है होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, तब भी आप प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लांटेशन का पहले मैं मतलब बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आपका एम्ब्रियो बनता है, तो आपकी उस एम्ब्रियो को आपकी बच्चेदानी के वॉल पर चिपकना होता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, उसी टाइम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लड के एक दो दाग आपकी जो है पैंटी पे आपको दिख सकते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ 5% फीमेल्स में होती है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है। तो उसके अलावा क्रैम्पिंग हो सकती है, जिस दिन इम्प्लांटेशन हुई है उस दिन आपको दर्द हो सकता है। ये इसकी पहचान ये होती है कि ये किसी एक साइड होता है, या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। जैसे कि आपको किसी ने हल्की हल्की जो है पिन चुभा दी हो, इस तरीके का टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है। वो दर्द जो है आपका कमर की तरफ जा सकता है या पैरों की तरफ जा सकता है, और ये ज़्यादातर सिर्फ एक दिन तक रहता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हल्का दर्द रहता है। तो ये भी सिर्फ 5 से 10% फीमेल्स में होती है, और ज़्यादातर इम्प्लांटेशन का पता नहीं लगता है। इसके अलावा जो है आपकी उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है, जिस दिन इम्प्लांटेशन होती है उस दिन एक दिन के लिए आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इसका भी आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप आपकी साइकिल से लेकर लास्ट तक आप अगर टेम्परेचर नापते हैं, तब आपको इम्प्लांटेशन के दिन टेम्परेचर कम होने का पता लगेगा, नहीं तो इसका आपको पता नहीं लगता है। इसके बाद जो सबसे मेन सिम्टम है, जो कि ज़्यादातर फीमेल्स को फील होता है, वो है थकान का होना। देखिए, थकान एज सच थकान नहीं होगी कि आप थक रहे हैं, बट हाँ ये होगा कि आपको जो है काम करने का मन नहीं करेगा। जो आप नॉर्मल रूटीन में काम करते थे, वो आपका बस ऐसा करेगा कि मैं डिले करते जाएंगे आप काम को, ऐसा मन करेगा कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो वो एक सिम्टम होता है, और काफ़ी अर्ली सिम्टम है ये, और ये मुझे खुद भी जो है फील हुआ था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये थकान है या प्रेगनेंसी है। मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं जो है काम ना करूं, बस काम करने का मन नहीं करता था। तो ये सबसे बड़ा प्रेगनेंसी सिम्टम है, और ज़्यादातर केसेस में ये होता है, 70 से 80% फीमेल्स में ये सिम्टम ज़रूर होगा। इसके अलावा जो है सबसे पहले, क्योंकि आपका जो है बॉडी को BM जो है बेसल मेटाबॉलिज्म जो है जो फास्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपको भूख और प्यास जो है ज़्यादा लगने लगती है। देखिए, कुछ केसेस में जो है भूख बिल्कुल नहीं लगती, ख़त्म हो जाती है, वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन अगर आपकी भूख बढ़ रही है तो ये एक अच्छा सिम्टम है, या फिर आपकी भूख बिल्कुल चली गई है, ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का। और कई केसेस में प्यास भी ज़्यादा लग सकती है, और पानी जो है ज़्यादा पीने की वजह से आपको बार बार यूरिन करने का जो है मन करता है। जो यूरिन की जो है बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी यूट्रस को जो बड़ा होता है, कई ज़्यादातर ट्विंस प्रेगनेंसी में अर्ली इसमें देखा गया है कि जैसे ही यूट्रस अगर अपने साइज़ में बढ़ने लगता है, तो आपको यूरिन पास करने की टेंडेंसी जो है ज़्यादा बढ़ती रहती है, होती है। तो ये थोड़ा सा लेट प्रेगनेंसी सिम्टम है, लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन हो गई है, तो उन दिनों में भी आपको फील हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो आपको भूख का मैंने आपको बता दिया है, पानी का बता दिया है। इसके अलावा जो आपकी वजाइनल डिस्चार्ज है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वो पानी की तरह पतला हो सकता है। ये एक बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि बॉडी को इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए जो है आपकी वाटरी जो है डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगेन, ये सारे सिम्टम जो है ये सबको नहीं होते, आपको एक या दो सिम्टम दिख सकता है, या फिर हो सकता है कोई भी सिम्टम ना दिखे। इसके अलावा आपको जो है कुछ चीज़ों की तरफ क्रेविंग्स हो सकती है, खासकर मीठी चीज़ों की तरफ आपको क्रेविंग्स हो सकती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका मन कर सकता है कोई भी मीठी चीज़ें खाने का, या फिर आपको कोई और चीज़ें क्रेविंग्स जो है होती है। प्रेगनेंसी का खास सिम्टम होता है, जो कि लेट जो है थोड़े दिनों बाद पता लगता है, जब आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, बट ये शुरू में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी मोशन सिकनेस जो है आपको नॉर्मली नहीं होता है, गाड़ी वगैरह में बैठने से आपको मोशन सिकनेस नहीं होती है, वॉमिट करने का मन या नोज़िया नहीं होता है, बट अगर आप प्रेगनेंट हो गई हैं और अगर आप ट्रैवल कर रही हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, जो कि आपको वियर्ड फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग का मन कर रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है मोशन सिकनेस हो रही है, तो ये एक प्रेगनेंसी का डेफिनेट सिम्टम होता है, और ये जिन जिन को हुआ है और उनको प्रेगनेंसी 100% हुई है, तो ये काफ़ी डेफिनेट सिम्टम होता है, बट ये अगेन सभी को नहीं होता है।
इसके अलावा का आपको अलग से स्मेल आने लगती है, जैसे लोगों को हल्दी में से स्मेल आ सकती है, रोटी में से स्मेल आ सकती है, मसालों में से अजीब स्मेल आ सकती है, जो नॉर्मल पहले आपको नॉर्मल लगती थी और अब आपको जो है वो जो है स्मेल अजीब लगने लगती है। या फिर आपको कोई कुछ चीज़ें जो पहले आपकी फेवरेट चीज़ें थी खाने की तो अब वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरीके से भी कुछ हो सकता है कि आपको एवर्जन हो जाए, यानी कि आपको कुछ खाने का मन ना करे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो आपकी स्किन है वो या तो बहुत डल हो सकती है, ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं स्किन पे, पिंपल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ग्लो करने लगती है कई बार। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपकी जो है प्रेगनेंसी के अच्छे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा जो है स्टफ़ी नोज़, देखिए स्टफ़ी नोज़ यानी कि आपको जुखाम नहीं है लेकिन आपको जो है स्टफ़ी नोज़ हो गया है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। मेटालिक टेस्ट आपको जीभ पर आ सकता है कि आपने कुछ खाया नहीं है लेकिन स्टिल आपके मुंह में कुछ टेस्ट आ गया, जैसे आपने मेटल खा लिया। उस तरीके की अजीबोगरीब आपको जो है सेंसेशंस हो सकती हैं, आपकी स्मेल करने की जो है पावर है वो बढ़ सकती है और आपको अजीब अजीब स्मेल्स आ सकती हैं, जो बहुत मतलब कि जो नॉर्मल स्मेल होती है वो आपको थोड़ी ज़्यादा आती है, मतलब आपको सहन ना हो इस तरीके की। इसके अलावा अगर आपने इम्प्लांटेशन के बाद आप हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तो उस टाइम आपको पेन हो सकता है जो कि नॉर्मली नहीं होता है, और एक दो मिनट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पर पेन हो सकता है, तो ये एक डेफिनेट सिम्टम होता है। अगर ये है तो आपको जो है प्रेगनेंसी 100% होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, टेंडर हो सकती हैं ब्रेस्ट, हैवी हो सकती हैं, और आपका जो जो ब्लैक सर्कल होता है जो है एरियोला जिसे बोलते हैं वो बड़ा हो सकता है आपका, और जो है साइज़ में भी जो है ओवरऑल ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है। तो ये ब्रेस्ट के चेंजेस होते हैं और ये भी काफ़ी अर्ली हो जाते हैं जिनको। इसके अलावा पीरियड लाइक जो है क्रैम्पिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ऐसा लगता है कि पीरियड्स आने वाले हैं लेकिन वो आपकी जो है प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि यूट्रस जो है स्ट्रेच कर रहा होता है, खासकर आपके पीरियड की डेट के आसपास आपको ऐसा लगेगा जैसे पीरियड्स आने वाले हैं। मेरे साथ जैसे IUI के टाइम पे हुआ था कि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पीरियड्स आएंगे, क्योंकि पीरियड्स में सेम मेरे को पीरियड आने से पहले जो है पेन होते हैं, क्रैम्पिंग होती है लोअर एब्डोमेन में, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में, पैरों में, कमर में, कमर के निचले हिस्से में, इस तरह से आपको दर्द हो सकता है। तो ये आपको जो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो ये आपके पीरियड्स लाइक पेन होंगे, बट वो पीरियड्स नहीं आएंगे और आपको जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है जब आपको पीरियड लाइक पेन होते हैं, ऐसा लगता है कि अब पीरियड बस आने वाले हैं। तो अगर आपको खासकर लोअर आपके स्टमक में पेन है, पेट के निचले हिस्से में, तो ये आपको क्रैम्पिंग जो है ये आपको प्रेगनेंसी सिम्टम होती है। अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है तो देखिए, अगर सिर्फ कमर में दर्द है बाकी कोई सिम्टम नहीं है तो ये आपको हो सकता है पीरियड्स आने वाले हों, लेकिन अगर आपको कमर दर्द के साथ आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द है तो ये आपका जो है सिम्टम होता है। तो आप पीरियड्स को और प्रेगनेंसी के सिम्टम को इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा दर्द पीरियड का है और कौन सा दर्द जो है प्रेगनेंसी का है। देखिए इसके अलावा हेडेक, देखिए हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मली हेडेक नहीं होता है, बट अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपको हेडेक हो सकता है, तो ये भी एक डेफिनेट सिम्टम होता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है,